हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी न्यू ऑफिशियल नोटिस रिलीज, ठीक है। ये पुराना थंबनेल लग गया है, मतलब कहने का सेंस है आपका सीबीटी शेड्यूल आ चुका है फाइनली, ठीक है। थंबनेल पे उसे लगा दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो आपके जोन का कब, बहुत से लोग तमाम फाइल आए थे, मैं आपसे कह रहा था बार बार कि जोन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना किसी के बस की बात नहीं है। बट कुछ छोटे यूट्यूबर्स थे जो लगातार फालतू दावे करते, वो दावे करते कि इस बार चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब कौन वो यूट्यूबर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये बातें आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताते हैं कि वो यूट्यूबर बोला चंडीगढ़ का एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कहा था, चंडीगढ़ होने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। अगर होना होगा तो कोलकाता इलाहाबाद वगैरह हो सकता है। तो वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स, मैं फिर भी वहाँ दावा नहीं किया था, मैं बस एग्ज़ाम डेट का दावा किया था कि आपका फेज़ टू भी जो होगा उसमें सैटरडे संडे गैप रखा जाएगा। बस वहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ह्यूमन एरर, कि मैं आपसे बोल दिया था कि 26-27 गैप रहेगा, 28 एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मुझे लगा 26-27 सैटरडे संडे है। लेकिन आपका सैटरडे संडे क्या है, 27-28 है, 26-27 नहीं है। यानी 26 को आपका एग्ज़ाम है, 27-28 को आपका एग्ज़ाम नहीं। जैसे मैं आपको एक्जैक्टली बताया था कि इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सैटरडे संडे को एग्जाम नहीं रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन एरर हुआ था मेरे से। मैं ये बोलता था 28 से आपको एग्जाम होगा, क्योंकि मुझे लगा 28 को मंडे है और 26-27 सैटरडे संडे लगा। लेकिन 26 को फ्रेंड्स फ्राइडे, इसे 26 को एग्जाम होगा, 27-28 आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्जाम 8 सितंबर तक चलने वाला, देख लेते किस जोन का एग्जाम, ये भी कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ का नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी फेज टू, सीबीटी ऑफ एबव सीएन विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेजेस। नाउ इट इज इन्फॉर्म दैट द सेकंड फेज ऑफ द एग्जाम, दैट इज फेज टू, इज शेड्यूल फ्रॉम 26 अगस्त 2022 टू 8 सितंबर 2022, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडेंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। यानी कि जो सेकंड फेज है वो आपका 26 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक चलने वाला। फेज टू विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर इंडिया फॉर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 5 आरआरसी, जो 3 और 5 है, नेमली आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसे NCR इलाहाबाद बोलते हैं, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर, फिर आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, फिर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। यानी 5 जोन आपका है, समझ सकते हैं। मैं आपसे बोला ही था कि इलाहाबाद और कोलकाता वगैरह का हो सकता है, लेकिन चंडीगढ़ का नहीं होगा। तो चंडीगढ़ का नहीं है, लेकिन वो एक छोटा यूट्यूबर जो चंडीगढ़ चला रहा था, ठीक है, तो एक बार फिर से फेल हो चुका है हमेशा की तरह, ठीक है। तो आपका इलाहाबाद का एग्जाम है, जबलपुर का है, बिलासपुर का है, कोलकाता का है, जयपुर का है, ठीक है। द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव लेटेस्ट बाई 12 आवर्स ऑन 18 अगस्त 2022 ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs। पिछला नोटिस में क्या लिखा हुआ था, सुबह 9 बजे तक आएगा, इसमें लिखा है दोपहर 12 बजे तक आएगा, ठीक है। 18 तारीख को आ जाएगा, वो आई थिंक 9 तारीख को आया था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये 18 तारीख को आ जाएगा, लगभग 8 दिन पहले, वो भी 8 दिन पहले ही आया था, 9 तारीख को आया था, क्योंकि 17 से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, ठीक है। और बाकी जो क्वालिटी वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह, 4 दिन पहले आ जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स, और चंडीगढ़ के एग्जाम इसमें नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि लगातार नोटिफिकेशन मिलता है और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।